बड़ी खबर यह कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़ कर माफी मांगी है अपने बयान को लेकर। राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया था और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि पंचायत तक बैठाई गई। बरसाना के मंदिर पहुंचे प्रदीप मिश्रा, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरह दंडात्मक तरीके से माफी मांगी गई है, नाक रगड़ कर माफी मांगी गई है। कुछ दिनों पहले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन के दौरान कही एक बात विवाद की वजह बनी और पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये कहा कि राधा जी बरसाना नहीं रावल गांव की रहने वाली थी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की इसी बात पर प्रेमानंद महाराज जी भड़क गए। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रदीप मिश्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। विवाद जब बढ़ा तो उनसे माफी मांगने को कहा गया, पंचायत बैठाई गई और आज आखिरकार कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाने में आकर नाक रगड़ कर माफी मांगी है। और अब आपको दिखाते हैं राधा रानी के मंदिर में माफी मांगने के बाद प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा। आज हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहां पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहां आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी, चाहे मृदुलकंठ शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। तो प्रदीप मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं लेकिन इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए नाक रगड़ते हुए माफी मांगी जा रही है उनकी ओर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने कुछ दिनों पहले एक ऐसा बयान दिया जो विवादों का कारण बना और अब अपने बयान पर, अपने शब्दों को लेकर माफी मांगी गई है। राधा रानी से क्षमा चाहता हूं ये कहा गया है प्रदीप मिश्रा की ओर से। और अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं आखिर क्यों पंडित प्रदीप मिश्रा को बरसाना पहुंचने की जरूरत पड़ी और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से विवाद ने तूल पकड़ा। आपको बताते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्यों मांगी है माफी। राधा जी बरसाना नहीं रावल गांव की रहने वाली थी, ये बयान दिया था। राधा जी के पति का नाम अन्य घोष था। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा जी का नाम नहीं है। राधा जी की सास का नाम जटिला, ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। तो ये प्रदीप मिश्रा की तरफ से बात कही गई थी और इन्हीं शब्दों को लेकर, अपने शब्दों को लेकर माफी मांगी गई है। सार्वजनिक तौर पर जब बरसाना पहुंचे तो इस तरह दंडवत प्रणाम करते हुए नाक रगड़ कर, जमीन पर नाक रगड़ कर माफी मांगी गई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो विवादित बयान दिया था उसी बयान पर माफी मांगी गई है और कहा है कि राधा जी मुझे क्षमा करें। आपको तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर विवादित बयान दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में मथुरा में हुई महापंचायत की तस्वीरें हैं जिसमें माफी की मांग की गई थी कि प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी होगी सार्वजनिक तौर पर। वहीं तीसरी तस्वीर आज आई जब प्रदीप मिश्रा इस तरह माफी मांगते हुए नजर आए हैं। और शिवांग हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन एक पंचायत भी बिठाई गई थी जो इस बात का लगातार दबाव बना रही थी कि प्रदीप मिश्रा को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए और अब उन्होंने दंडवत माफी मांगी। बिल्कुल निधि, देखिए इसी सोमवार को एक महापंचायत बुलाई गई थी बरसाना में और वहां पे साधु संत समाज जो है वो वहां पे पहुंचे थे और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और अंत में ये फैसला लिया गया था कि जो प्रदीप मिश्रा हैं, जो कथावाचक भी हैं, उनको माफ़ी मांगनी होगी और नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी होगी और बरसाना उनको आना होगा। हालांकि प्रदीप मिश्रा ने उस वक्त ये कहा था कि उनकी कथाएं लगी हुई हैं और 3 से 4 महीने वो लगातार बिजी हैं जिसके चलते वो नहीं आ पाएंगे। बाद में महापंचायत का ये फैसला हुआ, ये ऐलान किया गया मीडिया के अंदर कि अगर प्रदीप मिश्रा माफ़ी नहीं मांगते एक हफ्ते के अंदर अंदर तो उनको मथुरा, वृंदावन और ब्रज के पूरे क्षेत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ जो आने वाले कुछ महीनों में कुंभ होने वाला है उस कुंभ के अंदर भी उनको
उनका आना जो है वो वर्जित किया जाएगा, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। संत समाज में खास तौर पे जो साधु समाज के लोग हैं, जो मथुरा वृंदावन के लोग हैं, बरसाने के लोग हैं, उनमें बहुत आक्रोश और गुस्सा था। मैं खुद इस महापंचायत को कवर करने के लिए वहाँ गया था और वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से हज़ारों की तादाद में लोग एकत्रित होकर प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसे में ये मामला ज़्यादा तूल ना पकड़े, कोई FIR दर्ज ना हो, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये भी था कि संत समाज ने ये कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम संत समाज करेगा, ना केवल मथुरा वृंदावन में बल्कि अलग अलग इलाकों में। तो ऐसे में अपनी मुश्किलों को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रदीप मिश्रा, जिन्होंने कई तरह के कॉमेंट किए थे, जो जिनके ऊपर संत समाज को आपत्ति थी, जिनके ऊपर प्रेमानंद महाराज को आपत्ति थी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं साधु समाज को ये निश्चिंत डेफिनेटली होंगे कि प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी मांग ली है, जो मांग थी कि राधा रानी के मंदिर में पहुंचकर नाक रगड़ के माफ़ी मांगी जाए, मीडिया के जरिए बताया जाए कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और व्यासपीठ से ये कहा जाए कि मुझसे जो बात निकली, जो मेरे मुख से बात निकली वो गलत थी और मैं अपनी जो वाणी है उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। अब ये तस्वीरें देखिए, ये माफ़ी मांगने वाली तस्वीरें हैं प्रदीप मिश्रा की, कथावाचक प्रदीप मिश्रा। तरफ तो आरती जो हो रही है वहां पर, राधा रानी के लिए जो आरती हो रही है, उस आरती में शामिल हुए हैं प्रदीप मिश्रा, माफी मांगने के बाद आरती में शामिल हुए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करके धरती पर नाक रगड़ कर माफी मांगी जा रही है कथावाचक प्रदीप मिश्रा की तरफ से। जो उन्होंने बयान दिया वो इतना ज्यादा तूल पकड़ा, कुछ बोल रहे हैं। राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो।